मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी 190 वर्ष 1757 से 1947 तक ३०० से ऊपर वीडियोस दे चुका हूँ, किनके संबंध में। इस चैनल के माध्यम से मैं उन वीर क्रांतिकारियों को, नायकों नायिकाओं को ले रहा हूँ। बाल किशोर किशोरियाँ, युवा युवतियाँ, हर आयु वर्ग के लोग, वो तपस्वी लोग, त्यागी लोग, क्रांतिकारी लोग, वो जुनूनी लोग, वो साहसी लोग, वो हिम्मती लोग, जो भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद को कट गए। सब प्रकार की यातनाएं, कष्ट सहने के बाद सीतक ने की, उनका कहीं इतिहास में नाम नहीं आया। मैं इस प्रयास में हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, लेकिन अभी केवल 190 वर्ष के इतिहास के 400 नायक और नायिकाओं को, अज्ञात ऐसे अनसंग हीरोज को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले पंजाबी सुर में मैंने एक रो के अंदर, एक पंक्ति में आपके सामने रखे, सबको नहीं, कुछ का मैं पहले रूटीन के सभी एपिसोड देते हुए मैं ऐसे बहुत सारे पंजाबी सुरमों को पहले भी दे चुका था, लेकिन ये 20-25 एक साथ दिए हैं। अभी मैं 20-25 वो महिलाएं, क्रांतिकारी महिलाएं, जो देश की स्वतंत्रता के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, इन क्रांतिकारी महिलाओं का, नायिकाओं का कितना बड़ा योगदान रहा, अभी मैं शायद 3 दे चुका हूँ, आज देने लगा हूँ। नंबर 4 पे ऐसे 20-25 महिलाओं का, क्रांतिकारियों का, जो महिला क्रांतिकारियों का जो योगदान है वो लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो आज उसी श्रृंखला में, उसी पंक्ति में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सर्वस्व निछावर करने वाली, कमाल के साहस और हिम्मत वाली, अनूठे शौर्य और वीरता का झंडा ऊंचा करने वाली, सारी दुनिया के अंदर अपना वीरता का लोहा मनवाने वाली रानी चेन्नम्मा, कितूर की रानी चेन्नम्मा, कर्नाटक के छोटे राज्य के राजा थे मर्सल्स, जो कला प्रेमी थे और विद्वानों का बहुत आदर करते थे। एक दिन उन्होंने अपने राजमहल में श्री रंगपट्टन के प्रसिद्ध रंग संगीताचार्य शास्त्री, सदाशिव शास्त्री के संगीत का आयोजन किया, और संगीताचार्य शास्त्री जी ने अपनी कला प्रस्तुति से राजा और प्रजा दोनों को मुग्ध कर दिया। राजा मर्सल्स ने सदाशिव शास्त्री को वस्त्र भूषण तथा अलंकार इत्यादि देकर संगीताचार्य को सम्मानित किया, और साथ ही उनसे अनुरोध किया कि वे उनकी छोटी रानी चेन्नम्मा को संगीत की शिक्षा दें, रानी चेन्नम्मा जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। महाराजा की दो रानियां थी, बड़ी रानी रुद्रम्मा और छोटी रानी चेन्नम्मा। काकतीय राजवंश में जन्मी चेन्नम्मा प्रारंभ से ही बड़ी मेहगावी थी, चुस्त थी, चालाक थी, कमाल की थी। उसने कन्नड़, उर्दू, मराठी और संस्कृत ऐसी अनेक भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त कर ली थी। शास्त्री जी ने उन्हें संगीत की शिक्षा भी दी। वे शस्त्र संचालन, घुड़सवारी, ऐसे कई विद्याओं के अंदर पारंगत हो गई थी। बचपन से थी, अपने मायके में भी थी, और यहाँ रानी बनने के बाद भी उसने वो सब काम उतनी ही वीरता के साथ किए। अब कुछ बदला, समय बदला,
किन्नूर की महारानी ये चन्नम्मा किन्नूर कित्तूर पर संकट के बादल गहराने लगे। महाराजा मर्सल्स को पूना के पेशवा ने कैद कर लिया। आपस में राजा लोग लड़ते रहते थे भाई। कुछ ही दिनों में उसी अरेस्ट में कैद में मर्सल्स की यह लीला समाप्त हो गई। रानी चन्नम्मा के का पुत्र भी अल्पायु में ही उसका निधन हो गया। बड़ी रानी रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर द्वारा राज्य का संचालन कराने की कोशिश की गई, परंतु वे भी गंभीर रूप से बीमार हो गए और अपने उसके बचने की कोई आशा न देखकर उन्हें पुत्र गोद लेने का परामर्श दिया गया। उन्होंने अपने 100 जन रिश्तेदार का के पुत्र को गोद लेने का मन बनाया, किंतु दीवान मल्लप्पा शेट्टी को उनका ये विचार ठीक नहीं लगा। अब देखिए जरा घर के अंदर कैसे कैसे लोग होते हैं दरबार में। मल्लप्पा शेट्टी ने कहा, भाई धारवाड़ के कलेक्टर मिस्टर ठेकरे की अनुमति लेनी होगी। इस बार रानी चन्नम्मा कुपित हो उठी और कहा कि हमारे घरेलू मामलों में दखल देने वाले अंग्रेज कौन होते हैं। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से सब भली भांति परिचित थे। अंग्रेजों की नीयत इस फिराक में रहती थी कि कोई देशी रियासत उन्हें हड़पने को मिल जाए। फलस्वरूप कलेक्टर मिस्टर ठेकरे ने गोद लिए पुत्र गुरलिंग बर्सल्स को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और कहा कि रानी संरक्षिका का भार छोड़कर सभी अधिकार दीवान छेट्टी को सौंप दे, दीवान छेट्टी को सौंप दे। मल्लप्पा छेट्टी और दीवान छेट्टी दोनों आपस में मिले हुए थे, उनकी नजर कहीं और थी। और अब तो क्लियर ही हो गया, मिस्टर ठेकरे ये बोल रहे हैं, रानी को ऑर्डर कर रहे हैं कि अपनी संरक्षिका का भार छोड़ दो और उसको शासन सौंप दो। भाई तुम कौन ऐसे कहने वाले। रानी चन्नम्मा ने इसे अमान्य करते हुए कित्तूर की स्वाधीनता के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर दी। कलेक्टर ठेकरे ने कई संदेश भेजे और बराबर धमकियां भी देते रहे, किंतु रानी जस की तस बनी रही। वह ये भी जानती थी कि उसके दोनों दीवान मल्लप्पा छेट्टी और वेंकट राव अंग्रेजों से मिले हुए हैं, क्योंकि इन दोनों को राज्य का कुछ भाग पाने का आश्वासन मिस्टर ठेकरे दे चुके थे। रानी ने इस प्रकार का बड़ा संकट देखते हुए युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी और इसके लिए अपनी प्रजा को आह्वान भी किया। क्या कि तूर की प्रजा जी जान से अपनी रानी के साथ थी। उसने कहा, अगर हो मेरे साथ तो मैं आगे बढ़ूं। दोनों देशद्रोही दीवान यद्यपि उनके विरुद्ध थे, परंतु गुरु सिद्दप्पा जैसे योग्य दीवान और बालंगना रायंगना जगवीर और चन्नवासप्पा ऐसे बहुत सारे योद्धा रानी के साथ थे। पूरा राज्य युद्ध की तैयारियां करने लगा। हम देखते हैं कि 23 सितंबर 1840 को रानी ने ठेकरे की सेना पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले कि वो आक्रमण करे, रानी ने इतनी तैयारी अपनी कर ली थी। महिला नायिका, इतनी बड़ी अंग्रेज सत्ताशाही, और तैयारी करके उनके सारे ऑर्डर्स को अमान्य करके सशस्त्र चुनौती दे डाली। 23 सितंबर 1824 को ठेकरे की सेना पर आक्रमण कर दिया। फाटक खोल दिए गए। रानी की मर्दानगी झलक रही थी
और वे सिंहनी के समान अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। रानी की तलवार शत्रुओं के शीश काटे जा रही थी। देखते देखते ही थेकरे को भी मार गिराया। मैदान लाशों से पट गया और थेकरे के गिरते ही अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। बहुत से सैनिकों को बंदी बनाया गया, जिसमें शिवर के अफसर स्टिवेशन और इलियत भी थे जिनको बंदी बनाया गया, और वो दोनों देशद्रोही दीवान शेट्टी और वेंकट राव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मंत्रिपरिषद की सलाह से इनको मृत्युदंड दे दिया गया। अंग्रेज फिर तैयारी में लग गए। अब बड़ा शॉकिंग था, अपमानजनक था, अरे रानी और हमारा देश में अब सिक्का चलने लग पड़ा है और वो हमें एक बार पछाड़ के आगे निकल गई। अब अंग्रेज ये बात सब जगह पता लगेगी तो सब लोग इकट्ठे होकर हमें हराने की कोशिश करेंगे। वो फिर तैयारी में लग गए। मद्रास और मुंबई से और फौज मंगवाई गई। डीक्स के मिस्टर डीक्स के नेतृत्व में 3 दिसंबर 1824 को एक बार फिर आक्रमण कर दिया अंग्रेजों ने। इस बार उनका सैन्य दल सशक्त और विशाल था, किंतु रानी के देशभक्त सैनिकों का मनोबल भी कुछ कम नहीं था। एक बार फिर अंग्रेज भाग खड़े हुए। अंग्रेजों को ये हार खटक रही थी और तीसरी बार फिर कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। इस बार कूटनीति के सहारे कित्तूर के कुछ लोगों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। हमेशा अपने ही कुछ गद्दारों के कारण ये होता रहा है, जिसमें कित्तूर का किलेदार बसप्पा भी सम्मिलित था। उसने बारूद में सूखा गोबर मिलवा दिया, साथ ही कुछ अन्य भेद भी अंग्रेजों को दे डाले। भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेजों की सेना की भारी क्षति भी हुई, लेकिन अंत में कुछ लोग गद्दारी पर उतरे हुए थे, बिके हुए थे, और जैसे कैसे युद्ध चल रहा था, लेकिन रानी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विश्वास पात्र सैनिकों जैसे राइना, जगबीर, नागरकट्टी, चन्नवा सपा और बालंगना इत्यादि को गिरफ्तार कर उनके श्रद्धालुओं को फांसी पर लटका दिया गया। रानी को भी फांसी नहीं दी गई। रानी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेंगल होल स्थान जहाँ कैद थी रानी चन्नम्मा, उसने अपने आत्मबल से अपने प्राणों की आहुति दे डाली, स्वयं की लीला समाप्त कर डाली। मैं अंग्रेजों के हाथ से नहीं मरूंगी, मैं अनिश्चित समय के लिए जेल में नहीं मरूंगी। धन्य है वह कित्तूर की नारी, धन्य है शौर्य और साहस की प्रतीक रानी चन्नम्मा, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। देश की बलिवेदी पर अपने प्राण नशावर करने वाली उस तेज पुंज को नमन और श्रद्धा सुमन समर्पित। हमने देखा किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी महिलाओं का भी शौर्य और वीरता से भरा हुआ, कहीं फ्रंट लाइन पर रण क्षेत्र के अंदर बराबर मुकाबला करने वाली, मारने और मरने वाली, और कहीं पर उस युद्ध के अन्य व्यू रचना में इंपॉर्टेंट प्लेसेस के ऊपर महत्वपूर्ण योगदान देने वाली ऐसी महिलाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मैंने पहले भी कुछ को दिया है, पर अभी मैं 20-25 महिलाओं को एक साथ दे रहा हूं। और यही 20-25 है, ऐसी बात नहीं है, पहले भी मैं दे चुका हूं, इसके आगे भी और दूंगा। अभी 190 वर्ष के इतिहास का 400 नायक नायिकाओं तक पहुंचाने का
मेरा संकल्प है जो उसको मैं पूरा करने की ओर बढ़ रहा हूँ। लेकिन यही 400 नायक नायिकाएं रही होंगी ऐसा नहीं है, अनगिनत असंख्य। और हमें कहा गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है और कांग्रेस ने लेके दी है। नेहरू और गांधी ने तो एक लाठी नहीं खाई भाई, जेलें भी वीआईपीस थी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, नेहरू को जो उन्होंने सौंपना था राज्य, नेहरू पूरी तरह से उनके पेरोल पे था। कांग्रेस को बनाया गया था अपने सुरक्षा कवच के लिए, आजादी देने के लिए नहीं। लेकिन जिन्होंने सचमुच में अंग्रेज की सत्ताशाही को जान हथेली पर रख करके चुनौती दी, प्राण छावर किए, और असल में वो नीम के पत्थर मौन तपस्वी जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के महायज्ञ में आहुत हो गए, जो उनको इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं बताया नहीं गया, कहीं समझाया नहीं गया। मेरा प्रयास है कि मैं इस चैनल के माध्यम से इन सबको श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए और इनका परिचय आप तक पहुंचाता रहूं। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।